ए बी एक स्पर्श रेखा हो गया और एक सी डी स्पर्श रेखा हो गया ना दोस्तों। हमें सिद्ध करके बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि खींची गई समांतर होती है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है सी डी के समांतर है। सबसे पहले दोस्तों लिखा जाता है कि दिया है कि सी ओ आर, सी से सर्किल, ओ से ओरिजिन, आर से रेडियस, एक वृत्त है जिसमें जिसमें ए बी तथा सी डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। सिद्ध करना है कि ए बी समांतर, ये समांतर का सिंबल है सी डी, है ना दोस्तों। अब उसके बाद प्रमाण, क्योंकि दोस्तों प्रमाण में हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा यानी कि त्रिज्या पर लंब होती है, वही थ्योरी लिखेंगे। चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, जब लंब होती है तो ऐसे हम यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिखा सकते हैं और इधर भी दिखा सकते हैं ना दोस्तों। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ना, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे आप नाम देते हैं इसको P और इसको Q, है ना। तो यहाँ से जो कोण बना ये वाला सी पी ओ, कोण सी पी ओ बराबर इधर से लिख लेते हैं बी क्यू ओ, बी क्यू ओ, ये 90 डिग्री भी है और इसको एकांतर भी कह सकते हैं, एकांतर कोण। उसी तरह से इधर का जो कोण है इसको लिखना हो तो कोण डी पी ओ, और डी पी ओ हो गया तो इसको लिखना हो तो कोण ए क्यू ओ, ये भी 90 या एकांतर कोण। तो देखिए दोस्तों जब एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो गए तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना था, यही हमें प्रूव भी करना था, प्रूव हो गया। आइए दोस्तों हम अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पाँच में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे वृत्त का, ये स्पर्श रेखा हो गया इसका और इसका ये स्पर्श बिंदु हो गया ना। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब बताना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, है ना। और एक और खींच लेते हैं डॉट लाइन, जो कि संभव नहीं है पी। तो दोस्तों सिद्ध करने के क्वेश्चंस में सबसे पहले लिखा जाता है, दिया है कि, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी हो गया ना, और ये पी इसको आर दे देते हैं। दिया है कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये ए बी क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, है ना दोस्तों। ये सिद्ध करना है, ये आपके बुक में क्वेश्चंस में लिखा हुआ था। अब रचना भी किया हो उसको भी दर्शा देंगे। रचना एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु क्या लिया है? पी लिया, जो केंद्र ओ से हटकर है,
हटकर है, अब परमाण है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये तो थ्योरी हम लोग पहले प्रमेय नंबर 10.1 में सिद्ध कर चुके हैं ना, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना दोस्तों फिगर के अनुसार, चित्र से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ आर लंब ए बी तथा पी आर लंब ए बी, है ना। तो जब दोनों का ये बराबर है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ओ आर लंब पी आर, ओ आर लंब पी आर। तो फिगर से देखिए दोस्तों ओ आर लंब पी आर, ये दोनों लंब है एक दूसरे पे नहीं है, यानी कि ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है। अर्थात ओ एवं पी एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। इसलिए दोस्तों जो हमको सिद्ध करना था उसको आप लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही प्रूव करना था, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन 6 जो है जिसमें लिखा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आता है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, है ना, एक वृत्त का फिगर बनाएंगे, ये इसका ओरिजिन हो गया। क्वेश्चन में लिखा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, इधर एक बिंदु ए है ना, कितना दूरी पे वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर, बुक में बोला है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इधर एक स्पर्श रेखा खींच लिया, इसकी लंबाई 4 cm है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना दोस्तों, इसका नाम दे दिए पी। और ये हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो दोस्तों त्रिभुज ए ओ पी में एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण को हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर, लंब को ओ पी स्क्वायर और आधार को ए पी स्क्वायर। ओ ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ पी नहीं दिया है और ए पी 4 है, है ना, 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इधर आएगा तो -16 बराबर ओ पी स्क्वायर, 25 में से 16 घटेगा 9 और स्क्वायर है तो इधर रूट बराबर ओ पी, इसलिए ओ पी इक्वल टू 3 cm। तो ओ पी क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे त्रिज्या बराबर 3 cm, यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, मैंने जो 3 क्वेश्चंस बताया वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा।